जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, ज्योति बापले। बाराबंकी में भारत बंद का असर के लिए यहाँ पे भीम आर्मी और आजाद पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम को ज्ञापन दे करके यहाँ पे अपनी मांगों को किया कि भारत बंद क्यों कर रहे हैं, क्या वजह। ये भीम आर्मी और आजाद के लोग हैं और काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद खान है, मैं आजाद समाज पार्टी का फैजाबाद मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। क्यों आए, क्या बात? एक्चुअली आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ समय पहले एक निर्णय दिया है जिसमें उसने एससी एसटी में क्रिमिनल ईयर को उपवर्गीकरण का निर्णय दिया है। क्रिमिनल ईयर का मतलब ये होता है कि जिसमें जो 8 लाख से नीचे इनकम वाले लोग हैं, तो जो 8 लाख तक इनकम वाले लोग हैं वो उसमें विभाजन हो जाएगा। जो और निचला तबका है तो उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो उसमें ये हुआ है कि ये समाज में विभाजित करने की रणनीति है। तो उसी लिए हम लोग यहाँ उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो सपना बाबा साहब ने देखा था, जो सपना माननीय कांशीराम साहब ने देखा था, जो संविधान में प्रावधान किए गए थे वो प्रभावित ना हो, समाज का जो अंतिम तबका है वो प्रभावित ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज हमने जिला आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा है कि जो ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे हम आग्रहपूर्वक निवेदन कर सकते हैं कि वो इसको निरस्त करें और इस निर्णय को वापस ले। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या नाम है आप? सुनील कुमार जिला। क्यों आज भारत बंद है? क्या जी? आरक्षण के लिए बंद है। अच्छा जी, कैसा आरक्षण, क्या जो अभी क्रिमिनल में जो बिल पास हुआ है आरक्षण का, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस लेने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास वर्मा है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक जो एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में उनको जो उनका वर्ग है उन वर्गों को विभाजन करने की बात करी गई है, तो बात ये हमारी है, मेरी मांग है, सरकार से मांग है, माननीय जिलाधिकारी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को हमने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। आजाद समाज पार्टी पूरे देश में, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हमारे भाई चंद्रशेखर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने आज जो है ये मांग करी है माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से कि इस भारत बंद के माध्यम से जो ये एस सी एस टी का क्रिमिनल ईयर का जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट इसको बंद करे, यही हमारी मांग है। हमने आज शांतिपूर्वक माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, मैं चाहता हूं कि इसको रद्द करके उन्हें फिर से एक बार एससी एसटी के हित में काम किया जाए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। क्यों क्यों भारत बंद में आज शामिल हुए, क्या है? ये जो है एससी एसटी एक्ट और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आया है विभाजीयकरण, उसके लिए जो है हम लोग ज्ञापन देने माननीय जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं कि ये बिल को वापस किया जाए और एससी एसटी एक्ट के समाज के हित के लोगों के लिए काम किया जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेंद्र कुमार राव है। क्यों आए हैं अभी? क्या जी, हम लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारे समाज में जो ये हमारे समाज के साथ में जो इस सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को हर तरह से जो हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोग इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं भारत बंद के। अभी हमारा सर, मेरा अजय सिंह नाम है, मैं जयपुर विधानसभा अध्यक्ष। क्या क्यों आए हैं सर जी? हम इसलिए आए हैं कि हमारी सर जो मांगे हैं पूरी हों, जो ये एस सी एस टी का जो ये सर है बिल जो पास हुआ सर, ये हाँ जी हाँ, ये वापस लें सर। क्या नाम है? वसी हैदर, एडवोकेट। माननीय उच्चतम न्यायालय से जो क्रिमिनल लायर का आदेश हुआ है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वो जो है गलत किया गया है, क्योंकि इसमें वर्गीकरण कर दिया गया है और कई भागों में बांट दिया गया है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे के माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे हमारा समाज और बढ़ जाएगा। अभी भी विभाजित है, इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा और सबको समानता नहीं मिल पाएगी। ये थे भारत बंद के दौरान प्रदर्शन करने वाले भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा
भीड़ कम आई है। अब देखना यह है कि शाम तक क्या असर होगा भारत बंद का। बारह बंकी से कैमरामैन शालेन के साथ रिहान मुस्तफा, यूपी तक।